गांव के लोगों ने भी इसको अपने ग्रुप बना करके सभी जगह नाकेबंदी शुरू कर दी। और उसी दौरान एक गांव में ये गाड़ी लोकेट हुई तो गांव वालों ने पत्थर मार के उसको रोकने की कोशिश की, और उसके बाद गांव वालों ने पीछा किया, पुलिस को खबर मिली। इस सब का घटना का पूरा डिटेल एसपी जो कि स्वयं मौके पे गए थे और जब से सुबह से दौड़ रहे हैं इसी हालात में अभी वापस आए हैं, मैं उनको आपके आगे की बात बताने के लिए एसपी बेमेतरा को बुलाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर पुलिस की तत्परता और जो हमारे गांव के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं गांव के जनमित्र साइबर मित्र, उनकी मदद से न केवल सारे अपराधी पकड़े गए हैं बल्कि पूरा कैश 80 लाख रुपए यहाँ है। एक 20 लाख रुपए का जो एक बंडल और है उसको लुंगी में जो बांध के इन्होंने कहीं रखा था उसकी तलाश के लिए बेमेतरा की पुलिस टीमें अभी भी गांव और एरिया में सर्च कर रही हैं और निश्चित रूप से उनसे मिल जाएंगे। लेकिन इन अपराधियों के द्वारा, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इस प्रदेश में आए हैं, इन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो भी 3-4 दिन पहले रायपुर से ही उन्होंने किसी ये होंडा सिटी लूटी थी। चारों आरोपी पकड़े गए हैं और जो एक आरोपी है उनको हम यहाँ पर लाए हुए हैं, ये सामने है। बाकी दो लोगों को हॉस्पिटल, क्योंकि गांव वालों के साथ जब घेराबंदी हुई तो मारपीट भी इन्होंने चूँकि फायर किया था तो उन लोगों ने भी पत्थरबाजी की, गांव वालों ने पकड़ा है, उन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। सभी आरोपी पकड़े गए हैं और 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुका है, बचा हुआ भी बरामद किया जाएगा। इसमें बेमेतरा पुलिस अधीक्षक आईजी दुर्ग, उनका स्टाफ, कई टीआई और सिपाही, और जिस प्रकार से आम नागरिकों ने इसमें पुलिस का सहयोग दिया है, मैं उसके लिए बेमेतरा पुलिस को, दुर्ग आईजी को, एसपी को, सारे पुलिस अधिकारियों को बधाई देता हूं, उन नागरिकों को भी बधाई देता हूं। और बहुत शीघ्र हम लोग बेमेतरा में जा कर के ही, जहां पर कि वो गांव वाले हैं उनका, गांव के उन लोगों का जिन्होंने इस पकड़ में सहयोग दिया और पुलिस के लोगों का, उन्हें बेमेतरा जिला मुख्यालय में जाकर उनके लिए एक विशेष प्रशस्ति कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे।